ऐसी ऐसी बात हो गई इनके साथ और बहुत ही गलत हुआ। और दोस्ती हो तो ऐसी हो, दोनों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों ये देखो यहाँ पे राखी सेशन चल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। तो पीछे का सीन देख के आपको लग ही गया होगा कि मैं अपने मायके में हूँ, क्योंकि ऐसा व्यू मेरे ससुराल में नहीं है। तो आजकल मैं अपने मायके में हूँ और रक्षाबंधन के लिए मैं अपने मायके आई हूँ। और मतलब अब व्रत तक यहीं रहूँगी, जन्माष्टमी के व्रत तक मतलब। तो आजकल मैं अपने मायके में हूँ और परसों ही मैं अपने मायके आई हूँ ससुराल से। और आधे टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, इसलिए आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाई मैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज रक्षाबंधन है, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है रक्षाबंधन की। तो अभी सुबह का टाइम है और बाकी तैयार हम होंगे। और आज आपको पता होगा कि भद्रा की वजह से रक्षाबंधन थोड़ा लेट मनाना है, मतलब 1 बजे बाद 1.5 बजे बाद कह रहे हैं कि 1.5 बजे बाद ही मनाना है। तो अभी तो सुबह का टाइम है, तो बस तैयार तो हम हो रखे हैं, लेकिन अभी थोड़ा अपना और काम निपटा लेते हैं और फिर थोड़ी देर में हम रक्षाबंधन मनाएंगे दिन के टाइम पर लगभग। तो बाकी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। आज सुबह तक तो बहुत तेज बारिश थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, बारिश बंद है मतलब, और बादल लगे हैं। तो एक बार आपको मौसम दिखाते हैं और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी तैयार भी हम हो चुके हैं और अब टाइम भी हो ही गया है, 1 बज गए हैं। और अब राखी बांधना शुरू करते हैं। बस अभी मतलब अंशु लोग आ रहे हैं, अंशु अभी नहाने जा रहा है, सुबह से अभी आ रहा है और अब नहाने जा रहा है। थोड़ी देर में वो आएगा, फिर हम भी राखी बांधते हैं और बाकी खुशी लोग भी घर आ गए। और मैं और ये हम सब लोग तो तैयार पहले ही हो गए थे। और दो ये भी हैं, ये देखो ये तैयार हो गए हैं। और इनकी एक खासियत दिखाती हूँ मैं आज आपको। तो ये देखो दोस्तों ये दोनों को क्या हो गया, ये मोने हाथ उनकर दो जा, काटा काटा बेटा दो जर काटा में, या तो मोन ही आता हो तो दोस्तों ये देखो ये क्या हो गया। तो एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, दोस्ती हो तो इन दोनों के जैसी। ये देखो दोनों की आंखें क्या हो गई है, मोन हाथ उठो दो। दोस्तों ये देखो दोनों की आंखों पे क्या हो गया है, उंधियारा से। ये देखो दोनों की आंखों पे क्या हो गया। और दोस्ती हो तो ऐसी हो, दोनों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। तो इसकी आंख पे तो चोट लगी है, ये देखो, ये तो गिरी थी अपने ससुराल में, तो गिरने की वजह से चोट लगी। और मोनिका की आंखों पे एलर्जी हो रखी, मतलब मकड़ा बोलते हैं जिसे, तो ये हो गया इसकी आंख पे। और ऐसी दोस्ती निभाई है इन दोनों ने और दोनों ये कल अपने ससुराल से आई और मोनिका और मोनिका मार्केट जा रही थी, तो सब लोग इनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी आंख में क्या हुआ। तो ये लोग ऐसे करके जा रहे हैं आजकल, एक ऐसे करके आ रही। और इन दोनों में मैं आपको बता दूं, आपको पहले से पता होगा कि इन दोनों में खतरनाक वाली दोस्ती है। और दोनों की दोस्ती देखो कैसे है, दोनों की आंख पे एक साथ हो गया और एक इधर का आंख पकड़ रही है और एक इधर का आंख पकड़ रही है। तो ये चीज हो गया इन दोनों के साथ। तो कोई बात नहीं, ये होता रहता है। और बाकी वैसे ठीक है, दोनों की अलग अलग आंखें, एक की इधर वाली है एक की उधर वाली कोई बात नहीं, चोट फटाक लगती रहती है और इनको इसको इन्फेक्शन हो गया। तो कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाए, जन्माष्टमी तक टका टक, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी बात हो गई इनके साथ और बहुत ही गलत हुआ। देखो इसकी तो आंख पे लगी, दोनों की आंख पे ही लगी है। और ये देखो मतलब मुझे तो ये हो रहा, जैसे इसने मेरे पास बोला कि मतलब मेरी आंख पे चोट लगी है, तो मुझे तो सबसे पहले ये हुआ कि अच्छा हुआ, मतलब थोड़ा यहाँ से यहाँ पे नहीं लगी, यहाँ पे लगती थी तो अगर आँख के अंदर चोट लगती तो क्या ही होना था। तो मतलब ये बोल रही थी कि ऐसे में मतलब ये फिसली है, पाँव फिसला इसका और आगे ऐसा पत्थर था, नुकीला पत्थर, तो ये आगे की बल गिरी तो इसका मतलब आँख यहाँ पे लग गया नीचे।
और बोल रही है कि कल परसों तक तो बहुत ओरखा था लेकिन आज थोड़ा कम हो गया है, तो फिर भी ये इतना ओरखा ये देखो। और मौनी के तो यहाँ पे मतलब एलर्जी बोलते हैं जिसे, इसके यहाँ पे ओरखा है और मौनी के यहाँ पे ओरखा, तो जिसे मकड़ा बोलते हैं घर में, तो मतलब ये मकड़ा ओरखा है एलर्जी टाइप की, तो पूरा यहाँ ओरखा है यहाँ से लेकर यहाँ से और इधर के साइड भी ओरखा ये देखो, ये देखो। ये हो गया इन दोनों को। तो दोस्तों फाइनली हमारी पूरी टीम आ गई है रक्षाबंधन के लिए और अभी राखी पहनना शुरू करते हैं, बस ऋतिक और भैया रहेंगे तो वो दोनों भी आते ही होंगे और फिर रक्षाबंधन शुरू करते हैं। और ये रही मेरी पूरी टीम, हेलो करो सब। हेलो गाइस। और ये देखो ये दोनों पीछे क्यों छुप रहे हैं। जय वीरू। ये देखो ये है जय वीरू की जोड़ी और बाकी अब हम थोड़ी देर में राखी पहनाएंगे। और ये हमारा भतीजा होता है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी पहनाएंगे क्योंकि इसकी बहन नहीं है और एक है परिवार में वो आई नहीं आज, तो इसको भी पहनाएंगे। दोस्तों ये देखो यहाँ पे राखी सेशन चल रहा है, सब लगे हैं अपने अपने उसमें। अरे सारे ये हाथ दे। मैं तो आप तो दोस्तों फाइनली रक्षाबंधन भी हो गया और बाकी हमने राखी भी पहना दी और टाइम भी 2:30 बज गए हैं, तो अब खाना खाते हैं और खाना भी बन गया है दिन का खाना, तो अब खाना खाते हैं। और जब तक खाना खाते हैं तब तक मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई रील फोटोज़ वगैरह। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। अब मैं भी चलती हूँ खाना खाने और फिर खाना खा के फिर इधर आके मिलते हैं आपको, तो चलो। तो दोस्तों खाना हमारा हो गया और खाना खा के मैं आ गई हूँ और अब थोड़ी देर आराम करते हैं, शाम तक मतलब 4:30 बजे तक। और मेरी मम्मी भी यहीं पे है ये देखो, तो मम्मी भी अभी आ रही है खाना खा के और अब मम्मी भी आराम करेगी ना। मैं और मेरी मम्मी एक साथ ही सोते हैं यहाँ अंदर, चल आ जाता।
तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं। और बाकी मौसम देखो अभी कितना अच्छा और का है। और बाकी यहाँ पे साक्षी भी है और साक्षी लगी है अपने फोन पे। किसका फोन और का साक्षी? कौन सा दोस्त है साक्षी? बता दो कौन सा दोस्त, बताना कौन सा दोस्त बताना। तो साक्षी अपने दोस्त के साथ लगी है फोन पे, लड़की है, आवाज़ बाहर तक ही आ रही है। बाकी मौसम ना अभी बहुत ही प्यारा हो रहा है। बाकी रक्षाबंधन भी हो गया, आज का रक्षाबंधन का दिन भी चला गया। तो मौसम दिखाती हूँ एक बार आपको, ये देखो ना। तो दोस्तों अंधेरा भी होने वाला है, तो चलो अब हम भी चलते हैं और खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं। और बाकी मोनी और दीपिका अभी नीचे जा रखे थे भैया लोग को राखी देने के लिए, तो वो अभी तक घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ गए और वहीं रहेंगे शायद आज, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक घर नहीं आए हैं। तो अब हम भी चलते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नीतू नेगी ब्लॉग के साथ। बाय।